आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले के चैप्टर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, मतलब जो हमारी लाइट होती है वो किस तरीके से आपकी रिफ्लेक्ट करती है और उस लाइट के रिफ्लेक्शन के रूल्स कितने हैं, क्या क्या रूल्स हैं उसके और उसकी कंडीशंस क्या क्या है। अब आपको जो पढ़ना है कि लाइट का रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट का किसी एक मीडियम से आना, और लाइट जब एक मीडियम से आपके दूसरे मीडियम में जाती है तब दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती है या फिर वो नॉर्मल से दूर हटती है। रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट आपकी जिस मीडियम से आ रही थी, स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद, चिकनी सतह से टकराने के बाद, यानी कि मिरर वगैरह या कोई स्मूथ सरफेस होती है हमारे, उससे टकराने के बाद वो लाइट उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या है आपका कि रिफ्रैक्शन में लाइट किसी भी एक मीडियम से आ रही है और उस मीडियम से आने के बाद वो दूसरे मीडियम में जाती है, तब यहाँ पर दो कंडीशंस होंगी, या तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या फिर वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। नीचे जैसे मान लिया ये हमारा मीडियम एयर है और ये हमारा मीडियम वाटर। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आएगी, ठीक है, यहाँ पर लाइट जब हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आएगी तब दो कंडीशंस होंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाली लाइट को आप क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल। तब जो लाइट होगी हमारी वो या तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो लाइट जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तब लाइट को सीधे इस तरीके से जाना चाहिए, इस तरीके से जा करके वो लाइट क्या हो गया नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो लाइट का नॉर्मल की तरफ झुकना या लाइट का नॉर्मल से दूर हटना, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो लाइट के रिफ्रैक्शन की दो कंडीशंस थी, जैसा कि आपने देखा कि लाइट जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है तब या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है या फिर वो नॉर्मल से दूर हट रही है। तब हमें यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो ये देखनी है कि लाइट आपको नॉर्मल की तरफ कब झुकेगी और नॉर्मल से दूर कब हटेगी। इसके लिए दो मीडियम्स होते हैं, फर्स्ट आपका रेयर मीडियम एंड सेकेंड इज डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। मीन्स जब लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी, जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तब वो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। मीन्स डेंस टू आर नॉर्मल। ठीक है, और लाइट जब हमारी डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी तब अवे फ्रॉम नॉर्मल, तब वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। दो कंडीशंस हैं, जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तब वो हमारी नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि लाइट हवा से पानी में जा रही थी, हवा कैसा था आपका रेयर मीडियम था, क्योंकि लाइट हवा की हवा में जो लाइट की स्पीड होगी वो हमारी ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन ऑफ वाटर। तो एयर हमारा कैसा हो गया रेयर मीडियम हो गया और वाटर हमारा डेंसर मीडियम हो गया। जब लाइट हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तब क्या होगा उसका नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो लाइट हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब जब लाइट हमारी वाटर से एयर में जाएगी, जहाँ पर हमारी दूसरी कंडीशन लाइट हमारी आ जाती है वाटर से एयर में जा रही है, जब लाइट हमारी वाटर से एयर में जा रही है तो क्या होगा लाइट जी जा रही है, ये हमारा नॉर्मल लाइट ऐसे ना जा करके क्या होगा नॉर्मल से दूर हट जाएगी। क्लियर है। मीन्स लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और उसका या तो नॉर्मल की तरफ झुकना या नॉर्मल से दूर हटना, इसे हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट के रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट जब आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब या तो वह नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या फिर नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो लाइट का नॉर्मल की तरफ झुकना या नॉर्मल से दूर हटना, इसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि आने वाली लाइट को क्या कहते हैं आप इंसिडेंट रे कहते हैं, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, और जो लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हुई है इसे हम क्या कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई इंसिडेंट एंगल, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को आप यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं।
कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्रैक्शन के भी अपने दो रूल्स होते हैं। पहला रूल वही सेम है हमारा रिफ्लेक्शन की तरह। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर स्थित होंगे। वही सेम रूल हमारा रिफ्रैक्शन में भी है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमारे ये एक ही पॉइंट पर स्थित होंगे। दूसरा पॉइंट यानी कि दूसरा जो लॉ था हमारा वो रिफ्लेक्शन में क्या था कि उसमें एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर थे, हमेशा इक्वल थे। इसमें आपका एंगल आई और एंगल आर कभी आपस में बराबर नहीं होगा। मीन्स जो सेकंड लॉ है हमारा वो डिफरेंट है। इसमें हमारा एंगल आई और एंगल आर दोनों हमेशा आपस में बराबर होते थे। इसमें हमारा एंगल आई और एंगल आर कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा।